राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लघु, छोटे और मझोले उद्योगों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया है। राष्ट्रपति ने ये बात लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि ये उद्योग देश के समावेशी विकास के इंजन हैं। एक जनपद एक उत्पाद के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार का ये कार्यक्रम राज्य के हर जनपद में परंपरागत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 25,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद से 5 साल में 25 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रपति ने कहा कि कम लागत के बावजूद इस तरह के उद्योग धंधे में ज्यादा लोगों को रोजगार का मौका मिलता है और रोजगार के ये मौके खासतौर पर गाँव और पिछड़े इलाकों में ज्यादा पैदा होते हैं। भारत में एमएसएमई उद्यमों को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। ये उद्यम समावेशी विकास के इंजन हैं। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक लोग इन्हीं उद्यमों में रोजगार पाते हैं। इन उद्यमों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रोजगार पैदा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट